देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ से। सीलिंग जो कि समुद्र के डिजाइन जैसी लग रही है, काफी अच्छी लग रही है देखने में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एम्पायर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मीना डिस्ट्रिक्ट, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रंग बिरंगी बिल्डिंग्स, ये मीना डिस्ट्रिक्ट ही है जो कि ओल्ड दोहा पोर्ट पे बनी हुई है। और इस ये जो है ना सैनाटोनी एक आइलैंड है ग्रीस के अंदर, उससे इंस्पायर्ड है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और करते हैं इसको एक्सप्लोर क्या क्या है इसके अंदर। और ये इसका थोड़ा क्लोज व्यू, ये यहाँ से ऐसे गए ऐसे और वहाँ दूर तक इधर थोड़ा घूम के भी है और इसके पीछे भी है बहुत सारी बिल्डिंग्स। और ये यहाँ पे जो है ना जहाँ पे कारें खड़ी है यहीं पे बस ड्रॉप करती है, क्योंकि यहाँ से फिर सीधा सीढ़ियाँ बनी हुई है उधर पे चल जाते हैं। और ये यहाँ पे व्हील चेयर्स के लिए, जो लोग व्हील चेयर्स पे बेचारे हैं उनके लिए बना रखा है इधर, यहाँ से चढ़ के उधर से आ सकते हैं। और ये बाकी लोगों के लिए सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ से सीधा हमारे ठीक सामने ये है मस्जिद बनी हुई, ये यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। हम पहले मस्जिद में जाएंगे, उसके बाद देखेंगे और क्या है। और ये इधर से रोड आई है, क्योंकि यहाँ पे उधर तक बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है। और यहाँ से हम जाएंगे नीचे तो अस्सलाम वालेकुम। से हम ऊपर से देखेंगे समुद्र का नज़ारा। और यहाँ भी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये यहाँ से। और वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो पोर्ट, जो बड़े बड़े क्रूज आते हैं उनके लिए वो एक किस्म का स्टेशन है। और इधर से ही है और वहाँ पे कोई बोट भी लेके जा रहा है, ऐसे देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ। और यहाँ से हम वापस चलते हैं यहाँ पे बाजार अलफान, और ये पेंटिंग शॉप है मेसी बनी है। और यहाँ से देखते हैं इसको क्या क्या है। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स टी शर्ट्स रखी हुई है, ये पेंटिंग्स है। आप यहाँ पे वर्कशॉप भी कर सकते हैं बच्चों के लिए, ये बना रखा है वर्कशॉप के लिए। और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स और लगी हुई है। कैन आई टेक पिक्चर्स और वीडियोस? नो प्रॉब्लम, ओके थैंक यू। और इधर से चलते हुए हम जाएंगे फिश मार्केट की तरफ। और ये है मेरे सामने गिफ्ट शॉप, इसमें चलते हैं देखते हैं चल के क्या क्या है। Thank you.
ये थी गिफ्ट शॉप जो कि बहुत महंगे थे, उसमें 30 रियाल का एक छोटा सा जो है ना कोई बना हुआ था बिल्डिंग का डिज़ाइन, तो वो भी 30 रियाल का था। दो तीन चीज़ और देखी सब 30 रियाल की। एक टी शर्ट देखी 300 का, 3 रियाल की थी वो। मैंने कहा इतना महंगा बजट है भाई हमसे ना हो पाएगा, तो मैं तो आ गया भाई। और ये है मस्जिद भाई, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं आ गए, और अब इससे हम चल के फिश मार्केट की तरफ को चलते हैं। और फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद, इतना चलने के बाद जो है ना मैं फ़िश मार्केट पहुंच गया। और ये है फ़िश मार्केट, और ये वाला एरिया फ़िश मार्केट का, उधर इसका रेस्टोरेंट है। और ये यहाँ से हम एंट्री लेके अभी ये चल गया है ये। और यहाँ पे टाइम प्रेशर बहुत ही ज़्यादा, और मुझे लग रहा है कि क्या नाम शायद 10-15 डिग्री ना हो रहा, बहुत ठंडा है। सीलिंग जो कि समुद्र के डिज़ाइन जैसी लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और ये जो है ना स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ से आप फिश खरीद सकते हैं, इन्होंने अलग अलग जगह पे लगा रखे हैं। एक दो बंद पड़ा है इधर है, बाकी 18-14 मुझे तो नॉलेज भी नहीं है इनकी ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे भी बनी हुई है, यहाँ पे केकड़े भी पड़े हुए हैं, और ये बीच में भी एक स्टॉल बना हुआ, यहाँ पे काट के देते होंगे ये उस हिसाब से जिस तरह की मैं खरीदनी है। बाकी तो कितना ही कुछ है यहाँ पे, अभी चलते हैं बाहर। और उधर से मैं आया हूँ चलते हुए, और अब इधर से यहाँ से चलते हुए उधर को चल रहे हैं, देखते हैं क्या है। और यहाँ से चढ़ते हुए अब मैं चलता हूँ ऊपर, यहाँ से मैं इधर से, यहाँ से मैं ऊपर को आया हूँ, अब यहाँ से इधर को चलते हैं और देखते हैं गिफ्ट शॉप भी देख लेते हैं। गिफ्ट शॉप नहीं सॉरी, ये आर्ट शॉप है, इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या है। हाँ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये एंटिक सामान की शॉप है, और यहाँ पे चीज़ें बड़ी महंगी है, बहुत महंगा है सब कुछ। बहुत महंगा सामान है भाई यहाँ पे तो, हद से ज़्यादा महंगा है। और ये 100 कतरी रियाल का है, ये 100 कतरी। और ये यहाँ पे कुछ लकड़ी की वो भी हैं स्टिक चलने के लिए, और ये मुझे लग रहा है 2500 कतरी रियाल की है, ये 1500 कतरी रियाल की है, 1200 कतरी रियाल, 800 कतरी रियाल, 6। अरे देखो 500 रुपये की लाठी, सॉरी 500 रियाल की लाठी। और ये इधर को जाके ख़त्म हो जाता है, उधर कुछ कंस्ट्रक्शन जैसा चल रहा है किसी फंक्शन के लिए, इधर ऐसा कुछ खास है नहीं। उसे ये कारपेट शॉप है, बहुत बड़ी है, घरों में डालने वाली कारपेट है। और ये सब है, ये किसी आर्टिस्ट ने फिश के साथ बना रखी है। इधर ये पुराने शेख तमीम और शेख सलमान, शेख आल में ऐसे हैं। काफ़ी अच्छा है ओवरऑल बना हुआ है ये।
एक है ये भी मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, फोटो की फोटो जैसे लग रहे हैं बिल्कुल। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग मीनार डिस्ट्रिक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।